भोजपुरी के दो सुपरस्टार एक पवन सिंह दूसरे खेसारी लाल यादव, इन दोनों के बीच आपने अक्सर विवाद होते देखा होगा। कभी इनकी जो दोस्ती है वो दुश्मनी में बदलती है तो कभी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। ये हमेशा अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में सोशल मीडिया पर छाए रहते। अगर इन दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा है तो इनके फैंस से रहा नहीं जाता और इन दोनों के रिश्ते में आग लगाने का पूरा काम कर देते हैं। खैर, चलिए आज हम बात इनके रिश्तों की नहीं बल्कि इनके पत्नियों के रिश्ते की करेंगे। पवन और खेसारी के रिश्ते तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब बात इन दोनों के रिश्ते की आई तो सोशल मीडिया पर एक अलग जंग ही छिड़ गई। अब ये बात चल रही है कि कौन है सबसे अच्छी पत्नी, साथ ही साथ ये भी बातें चलती हैं कि कौन है सबसे अमीर, चंदा यादव या फिर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इन दोनों में सबसे अमीर कौन है। वैसे आपको ये बता दें कि हमारे इन दोनों सुपरस्टार की पत्नियां प्रोफेशनली तो कुछ नहीं करती, ये अपने पति के पैसों पर ही राज करती हैं। लेकिन भाई, अब अगर इतने बड़े सुपरस्टार की पत्नियां हैं तो इनके बैंक बैलेंस भी कम नहीं होंगे और ना ही इनके पास पैसों की कमी होगी। तो चलिए आपको बताते हैं ज्योति सिंह के बारे में। आपको ये बता दें कि जब ज्योति सिंह पवन सिंह से तलाक लेने के मूड में थी तो उन्होंने एलिमनी के तौर पर 3 करोड़ रुपये की डिमांड की थी। ये बात और है कि ये डिवोर्स नहीं हुआ, इनमें सुलह हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पवन सिंह ने भी पत्नी को कम रानियों की तरह नहीं रखा है। ज्योति सिंह के लिए पवन सिंह ने लखनऊ में एक घर खरीदा है, साथ ही साथ एक गाड़ी, लग्जरी ब्रांड की घड़ियां, एक्सेसरीज, ये सब कुछ ज्योति सिंह के हिस्से आती है, जिसकी नेटवर्थ वैल्यू करोड़ों में होगी। अब बात अगर खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा यादव की कर ले तो वो ज्योति सिंह से काफ़ी आगे हैं, या यूं कह ले कि खेसारी लाल यादव से भी काफ़ी आगे हैं। आप सुनकर हैरान हो गए ना? जी हाँ, हम आपको बता दें कि मुंबई में जो खेसारी लाल यादव ने बंगले बनाए हैं दो, वो दोनों चंदा यादव के नाम पर हैं। साथ ही चंदा यादव के लिए खेसारी लाल यादव ने बिहार में भी अच्छी खासी ज़मीन ले रखी है। अगर गाड़ियों की बात करें तो फॉर्च्यूनर गाड़ी चंदा यादव चलाती हैं और आपने इसके वीडियो सोशल मीडिया पर देखे ही होंगे। और अगर ज्वेलरीज और एक्सेसरीज की बात करें तो आपने जब भी चंदा यादव को देखा होगा गहने से भरा पूरा ही देखा होगा, उसका अनुमान आप खुद ही लगा लीजिए। तो खेसारी लाल यादव की जो पत्नी हैं, अगर उनके बैंक बैलेंस की बात करें तो अब आप ये समझ सकते हैं जिसके नाम पर इतनी प्रॉपर्टीज हैं बैंक में, उसके नाम पर पैसे भी अच्छे खासे होंगे। क्योंकि खेसारी ने खुद कई इंटरव्यूज में कहा है कि मेरे घर की पूरी मालकिन मेरी पत्नी चंदा यादव है। इसके पीछे कारण भी आप समझ लीजिए, क्योंकि चंदा यादव खेसारी लाल यादव से कभी दूर नहीं रहे, लेकिन ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्तों में हमेशा विवाद ही रहा। जो पति पत्नी के बीच एक विश्वास की डोर बंधनी चाहिए वो ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते में कम दिखाई पड़ती है, लेकिन इससे उलट सारी और चंदा यादव के रिश्तों में मजबूती ज़्यादा दिखाई पड़ती है। इस लिहाज से चंदा यादव ज्योति सिंह से काफ़ी अमीर है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।